हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में आज हमें मुकाबला देखने को मिला था साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में, और आज हुए इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया, जिसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की पूरी पॉइंट्स टेबल आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के मुकाबले में। साउथ अफ्रीका की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी कि नंबर 10 की पोजीशन पर आती है नेदरलैंड्स की टीम। नेदरलैंड्स ने 5 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबले में जीत, 4 मुकाबलों में हार के बाद इनके 2 पॉइंट्स हैं और इनका नेट विन रेट है -1.902 का। इनसे ऊपर नंबर 9 की पोजीशन पर आती है इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड ने 5 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबले में जीत, 4 मुकाबलों में हार के बाद इंग्लैंड के 2 पॉइंट्स हैं और इनका नेट विन रेट है -1.634 का। इनसे ऊपर पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 की पोजीशन पर हमें देखने को मिलती है बांग्लादेश की टीम। बांग्लादेश ने 5 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबले में जीत और 4 मुकाबलों में हार के बाद इनके 2 पॉइंट्स हैं और इनका नेट विन रेट है -1.253 का। इसके बाद पॉइंट्स टेबल में अगर थोड़ा सा ऊपर चले और बात करें मिडिल की पॉइंट्स टेबल की, तो नंबर 7 की पोजीशन पर हमें देखने को मिलती है अफगानिस्तान की टीम। अफगानिस्तान की टीम ने 5 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबलों में जीत, 3 मुकाबलों में हार के बाद इनके 4 पॉइंट्स हैं और इनका नेट विन रेट है -0.969 का। इनसे ऊपर नंबर 6 की पोजीशन पर आती है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम ने टोटल 5 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबलों में जीत और 3 मुकाबलों में हार के बाद इस टीम के 4 पॉइंट्स हैं और इनका नेट विन रेट है -0.400 का। इनसे ऊपर पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 की पोजीशन पर आती है श्रीलंका की टीम। श्रीलंका की टीम ने टोटल 5 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबलों में जीत और 3 मुकाबलों में हार के बाद इनके 4 पॉइंट्स हैं और इनका नेट विन रेट है -0.205 का। इसके बाद फाइनली अगर हम पॉइंट्स टेबल में बात करें टॉप 4 की पोजीशंस की, तो नंबर 4 की पोजीशन पर आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में जीत, 2 मुकाबलों में हार के बाद इनके 6 पॉइंट्स हैं और इनका नेट विन रेट है +1.142 का। इनसे ऊपर नंबर 3 की पोजीशन पर आती है न्यूजीलैंड की टीम, जिन्होंने टोटल 5 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबलों में जीत, 1 मुकाबले में हार के बाद इनके 8 पॉइंट्स हैं और इनका नेट विन रेट है +1.481 का। इनसे ऊपर नंबर 2 की पोजीशन पर आज का मैच जीतकर साउथ अफ्रीका आ चुकी है। साउथ अफ्रीका ने 6 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबलों में जीत, 1 मुकाबले में हार के बाद इस टीम के टोटल 10 पॉइंट्स हैं और इनका नेट विन रेट है +2.370 का। जिसका मतलब है अगर फाइनली हम टेबल टॉपर्स की बात करें, तो अभी भी भारत की टीम टॉप पर है, जहां पर 5 में से 5 मैचेस जीतकर भारत की टीम के 10 पॉइंट्स हैं और इसके साथ ही भारत की टीम का नेट रन रेट है +2.393 का, जिसकी वजह से भारत की टीम पॉइंट्स टेबल में हमें टॉप पर देखने को मिलती है। कमेंट करके आप लोग बताना आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।